तो दोस्तों आपने ऐसी बहुत सी एक्शन मूवी देखी होंगी जिनमें कारों को ब्लास्ट किया जाता है और कारों को उड़ाया जाता है, जो कि हमें दिखने में बहुत ही भयानक और डरावनी सी लगती है। और हम जब भी कार ब्लास्ट वाले सीन को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये 5 या 10 सेकंड के सीन के लिए 20 से 25 लाख की गाड़ियों को कैसे ब्लास्ट कर देते हैं। तो दोस्तों दरअसल फिल्मों में जिन कारों को ब्लास्ट किया जाता है दरअसल वो असली कारें नहीं होती है बल्कि नकली कारें होती है, खिलौने वाली कारें होती है। और ब्लास्ट वाले सीन को स्टूडियो के अंदर ही हरे पर्दे की मदद से तैयार किए जाते हैं और ऐसे सीन शूट करने के लिए सभी तरह की नकली कारें ली जाती है और उस सीन को असली कार ब्लास्ट जैसा बनाने के लिए शूट वाली जगह पर मिट्टी डाल दी जाती है जिससे कि वह जगह असली जैसी लगे। उसके बाद उस जगह पर निकली कारों को असली जैसा दिखाने के लिए अलग अलग एंगल से कारों की शूटिंग की जाती है। इससे में कार की डायरेक्शन और मार्किंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैमरे के एंगल को भी अच्छे से सेट कर लिया जाता है। हम जब फिल्मों में ऐसे सीन देखते हैं जिनमें कार ब्लास्ट हो रही है या कार उड़ रही है, इस सीन को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों जब ऐसे सीन को तैयार किया जाता है यानी कार उड़ाने वाले सीन को जब तैयार किया जाता है तो नकली कार को धागे की मदद से बांध दिया जाता है। जब धागे को खींचा जाता है तो उस समय मिट्टी डाल दी जाती है जिससे कि थोड़ी रियलिस्टिक जैसी लगे। जब ब्लास्ट वाले सीन को तैयार किया जाता है तो उस समय नकली कार के नीचे एक फटाका रख दिया जाता है, उस फटाके को जला दिया जाता है। और दोस्तों आपने फिल्मों में ऐसे सीन भी देखे होंगे जिनमें कारों में धुआं उड़ रहा है, ऐसे सीन तैयार करने के लिए नकली गाड़ियों में अगरबत्ती को जला कर रख दिया जाता है जिससे कि हमें ये लगे कि कार से धुआं निकल रहा है और फिर उन्हें कंप्यूटर की मदद से एडिटिंग करके रियल जैसा दिखाया जाता है। अगर वही कार को जलाने वाला सीन शूट किया जाता है तो उस समय सभी नकली कारों पर मोम डाल दी जाती है, माचिस की मदद से मोम को जला दिया जाता है और फिर उसको भी कंप्यूटर की मदद से उस सीन को तैयार कर लिया जाता है। और दोस्तों आपने फिल्मों में ऐसे सीन भी देखे होंगे जिनमें कार एक कतार के साथ चल रही है, तो दोस्तों ऐसे सीन को तैयार करने के लिए सभी कारों को टेप की मदद से चिपका दिया जाता है और फिर उन्हें धागे की मदद से खींचा जाता है जिसे हमें दिखने में ये लगे कि एक कतार में चल रही है।